दिवाली से पहले शिक्षकों को बड़ा तोहफा मिल गया है और ये तोहफा दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, वो भी नियुक्ति से रोक हटाकर। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के 848 पदों को लेकर सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जा सकेंगे, यानी 3,198 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती होगी और जल्द से जल्द ये पद अब भरे जा सकते हैं। अब सिर्फ हाईकोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है जो जल्द ही DPI पहुंच जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के अधीन होगी, यानी मामले में हाईकोर्ट जो भी अंतिम फैसला देगा वही मान्य होगा। अब ये पूरा मामला क्या है आपको वो बता देते हैं। दरअसल ये केस 848 EWS कैटेगरी के पदों को लेकर के था। साल 2018 में आई इस भर्ती के पहले EWS पद नहीं थे, लेकिन बाद में नोटिफिकेशन जारी कर इन पदों को जोड़ा गया। पहली काउंसलिंग तक तो सब कुछ ठीक रहा और ज्वाइनिंग दे दी गई, लेकिन बाद में दूसरी काउंसलिंग में विवाद होना शुरू हुआ और इस बात का विरोध किया गया कि जब नोटिफिकेशन में पहले पद नहीं थे तो भर्ती नहीं होनी चाहिए। विवाद कोर्ट में गया और कोर्ट ने तब मामले में रोक लगा दी। इसी रोक के खिलाफ DPI ने फिर अपील की। इस दौरान भर्ती में पास उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, तभी से ये पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस रुकी हुई है। DPI ने इस मामले में पहले भी तर्क रखे थे कि EWS पदों को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, ऐसे में साल 2018 की भर्ती के चलते साल 2023 की भर्ती को नहीं रोका जाए और ज्वाइनिंग की मंजूरी दी जाए, लेकिन इस पर आपत्ति लगी कि अगर ये पद भर जाएंगे तो पुराने पात्र अभ्यर्थियों का क्या होगा और फिर से रिवर्स प्रोसीजर करनी होगी। इन सब दलीलों के चलते ये नियुक्ति रुकी हुई थी। इस पूरे मामले में DPI शुरू से ही यही कहता रहा कि शिक्षकों को सशर्त ज्वाइनिंग दी जाए, फिर बाद में कोर्ट जो भी फैसला देगा उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इतना ही नहीं, DPI ने तो कोर्ट में यह भी कह दिया था कि साल 2018 की अब कोई भर्ती बची ही नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने अब यह साफ किया है कि जो भर्ती अटक गई थी उसे पूरा किया जाए। अब इस केस की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी और तब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस केस में अब आगे और क्या फैसले देता है। ये खबर हम आप तक इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।